नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सीखे.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना की जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा संचालित कई स्वास्थ्य चिकित्सा अनुदान योजनाएं जारी हैं देश में, और इनमें से सबसे बड़ी स्वास्थ्य लाभ की योजना जो है मोदी सरकार द्वारा वर्ष 2018 में शुरू की गई है, जन आरोग्य योजना के नाम से, अर्थात आयुष्मान भारत योजना। और इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना वर्ष 1977 से देश में जारी है, और जिसके विषय में कम लोगों को जानकारी होगी। इस योजना का संचालन जो है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है, और योजना का लाभ जो है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने रहे जो परिवार है उन परिवारों के गंभीर रोगों से ग्रस्त जो रोगी हैं उन्हें प्राप्त हो सकता है इस योजना का लाभ। और वर्तमान में इस योजना के तहत जो है देश के विभिन्न राज्यों के 13 सरकारी सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा संस्थान जो हैं इस योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं। और इन राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना के तहत जो लिस्टेड हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो है 2 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त प्राप्त किया जा सकता है गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के सदस्यों को। इन 2 लाख तक के रुपए के इलाज की जो है लाभ इस योजना के तहत प्रदान की जाती है, और यदि 2 लाख रुपए से अधिक योजना इलाज का खर्च होता है तो इसके लिए जो है केंद्रीय परिवार एवं कल्याण मंत्रालय से अनुमोदन मिलने के बाद ही जो है इन हॉस्पिटल्स में नया मुफ्त इलाज दिया जाता है। तो राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना का लाभ लेने के लिए अपने निकट के सरकारी अस्पताल जो है वहाँ से संपर्क किया जा सकता है, और अस्पताल द्वारा जो है आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से जो है योजना का आवेदन फॉर्म भरना है और कैसे इसके इलाज की जानकारी प्राप्त करने के लिए हॉस्पिटल आपको जो है दिशा निर्देश देंगे। तो योजना का जो देश है देश के गरीबी रेखा से जो नीचे के परिवार के जो सदस्य हैं यदि गंभीर जानलेवा बीमारियों से पीड़ित हैं तो राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना के तहत जो है अधिकतम 2 लाख रुपए के इलाज का जो है लाभ उठा सकते हैं, और इससे अधिक का यदि उनके इलाज का खर्च है तो उन्हें जो है हॉस्पिटल की तरफ से उनके चिकित्सा के पेपर और इन सब के लिए स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय को भेजा जाएगा, और वहाँ से अनुमोदन मिलने के बाद जो है आपके कागजात डॉक्यूमेंटेशन आपके जो रोगों के इलाज से संबंधित जो पर्चे हैं वो और आपके आय प्रमाण पत्र आदि का वेरिफिकेशन करने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जो है वहाँ से आदेश जारी किया जाएगा, तो आपका जो है योजना के तहत फ्री इलाज हो सकेगा। तो दोस्तों, इसके लिए गरीबी रेखा से नीचे परिवार के जो रोगी हैं उन्हें उनको किन किन रोगों के लिए जो है इस योजना के तहत लाभ ले सकते हैं, इसके लिए रोगों की 3 कैटेगरी बनाई गई है। और पहले कैटेगरी के अंतर्गत जो है शरीर के अंतर्गत हार्ट, लीवर और किडनी से संबंधित गंभीर रोग होने पर जो है योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है, और इसके अंतर्गत दूसरी श्रेणी में जो है कैंसर रोग को रखा गया है। कैंसर रोग से यदि पीड़ित व्यक्ति है तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का तो योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है। और तीसरी श्रेणी में रखा गया है दुर्लभ जानलेवा बीमारियों को, तो यदि गरीबी रेखा से नीचे परिवार का कोई व्यक्ति दुर्लभ जानलेवा बीमारियों से पीड़ित है तो इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकता है मुफ्त इलाज का। तो गंभीर रोगों के दुर्लभ गंभीर जानलेवा बीमारी जो होते हैं वो दोस्तों ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके उपचार की जो है
अभी ठीक ठीक इलाज नहीं निकाले गया है, उपचार कर के विषय में लोगों को जानकारी नहीं है या रोग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, और देश के कुछ प्रतिशत लोग उस रोग से पीड़ित होते हैं, और गंभीर जो दुर्लभ बीमारियां होती हैं इनको हर देश अपने अपने नजरिए से देखता है और अपने अनुसार तय करता है कि जो है इस रोग को दुर्लभ बीमारियों में रखा जाए या नहीं रखा जाए। तो ऐसी अगर किसी में बहुत कम लोगों को होने वाली इस तरह की बीमारी है जिसका भी इलाज सुनिश्चित नहीं किया जा सका है, तो इस प्रकार की अगर रोग से पीड़ित है कोई व्यक्ति तो वो इस योजना के अंतर्गत मुफ्त इलाज का लाभ जो है प्राप्त कर सकता है। और योजना के अंतर्गत जो है मैं विभिन्न राज्यों के 13 सरकारी स्वास्थ्य चिकित्सा संस्थान जो है सूचीबद्ध किए गए हैं। तो इन सूचीबद्ध जो हॉस्पिटल्स हैं इनके अंतर्गत मुफ्त इलाज प्राप्त किया जा सकता है राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना के अंतर्गत। तो इनमें जो है दिल्ली के हॉस्पिटल्स में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल और दिल्ली का एम्स और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचिता कृपलानी हॉस्पिटल नई दिल्ली, ये नई दिल्ली के हॉस्पिटल्स के नाम है। और इसके बाद चंडीगढ़ का स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान और लखनऊ के संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस और गांधी मेमोरियल एसोसिएटेड हॉस्पिटल लखनऊ, और इसके अंदर पांडिचेरी के जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान और बेंगलुरु के राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान और कोलकाता का चित्रंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान और शिलोंग का पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान और इम्फाल का जो है क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान और श्रीनगर का जो है शेरे कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान। इन हॉस्पिटल्स चिकित्सा संस्थानों के नाम जो है राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना के अंतर्गत जो है सूचीबद्ध किए गए हैं। तो इन हॉस्पिटल्स में जो है मुफ्त इलाज का लाभ प्राप्त किया जा सकता है राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना के अंतर्गत। और इस योजना के तहत इलाज प्राप्त करने के लिए रोगी का इलाज से संबंधित जो पर्चे हो और उन पर जिन डॉक्टर से इलाज ले रहा हो उस डॉक्टर का हस्ताक्षर होना चाहिए, और इसके अतिरिक्त जो है चिकित्सा अधिकारी उस हॉस्पिटल के जो चिकित्सा अधिकारी हों उनका भी हस्ताक्षर किया हुआ लेटर होना चाहिए, रेफर लेटर। और इसके आयु का उनके आय का प्रमाण पत्र होना चाहिए रोगी का, और राशन कार्ड की फोटो कॉपी और आधार कार्ड की फोटो कॉपी। तो इन सारे दस्तावेजों के साथ जो है योजना का जो आवेदन फॉर्म भरना होगा उसमें रोगी के पर्सनल डिटेल, रोग कौन से रोग से पीड़ित है और ईमेल आईडी, उसके फोन नंबर उसका, ये सारी जानकारी भरने के बाद जो है और ये दस्तावेजों को संलग्न करके हॉस्पिटल में जमा करना होगा। तो हॉस्पिटल द्वारा जो है आपको जिस हॉस्पिटल सूचीबद्ध जो हॉस्पिटल है राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना के अंतर्गत उन हॉस्पिटल उस हॉस्पिटल में से जिनमें आपको इलाज करवाना हो वहाँ ले जा करके आपको ये अपने सारे कागज और आवेदन फॉर्म के साथ जो है संलग्न करके वहाँ जमा करना होगा, और इसके बाद जो है राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना का लाभ जो है प्राप्त कर सकेंगे। इनके तहत जो है 2,00,000 रुपए तक की मुफ्त इलाज की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। तो दोस्तों योजना का जो आवेदन फॉर्म देखने के लिए और योजना की अधिक जानकारी से संबंधित जो है योजना की गाइडलाइन देखने के लिए आपको जो है गूगल वेब ब्राउजर खोलना होगा, और इसमें आपको mohfw.government.in लिखकर जो है सर्च पर क्लिक करना होगा। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ये वेबसाइट आपको इस पर क्लिक करना होगा।
ये वेब पोर्टल खुलकर आ जाएगा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग का। तो इसके अंतर्गत जो है आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना होगा। तो यहाँ पर ये वेब पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। तो इसको स्क्रॉल करके आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर राष्ट्रीय आरोग्य निधि, तो इस योजना का जो है इस विकल्प पर आपको क्लिक करना होगा। तो ये पेज खुलकर आ जाएगा राष्ट्रीय आरोग्य निधि का। तो इसके अंतर्गत आपको जो गाइडलाइन देखना है यदि योजना का, तो आप यहाँ पर पीडीएफ फाइल यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये गाइडलाइन योजना से संबंधित यहाँ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि किस बीमारियों जो है किस प्रकार से इस योजना के संबंधित जानकारी, कितने कितने रुपए का इलाज ले सकते हैं रुपए तक का, और किस प्रकार से इस योजना के तहत जो वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं इसकी जानकारी, योजना से संबंधित गाइडलाइंस दिशा निर्देश यहाँ जान सकते हैं। और इसके बाद योजना का एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसकी फॉर्मेट डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर व्यू ऑल पर आप क्लिक करेंगे तो ये पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर पुअर पेशेंट्स फाइनेंशियल सपोर्ट, तो इसके अंतर्गत एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर डाउनलोड जो है इस पर क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट यहाँ से देख सकेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से भरना है उसके दिशा निर्देश भी आप यहाँ से देख सकेंगे। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है उसके बारे में यहाँ सारे दिशा निर्देश दिए हुए हैं, गाइडलाइंस दी हुई है आपको कैसे भरना है। और इसके बाद ये फॉर्मेट है एप्लीकेशन फॉर्म का, एप्लीकेशन फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस राष्ट्रीय आरोग्य निधि। तो यहाँ पर आपको ये इस फॉर्मेट को डाउनलोड कर लेना होगा और इसका प्रिंट आउट निकालना होगा। और प्रिंट आउट निकालने के बाद जो है आप यहाँ से इसको डाउनलोड करके आप निकाल सकते हैं इसका प्रिंट आउट। और प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको ये भरना होगा यहाँ पर सारी जानकारी, एड्रेस भरना होगा, पिन कोड भरना होगा, पेशेंट का नाम और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और फादर का नाम, मदर का नाम, ये सारी जानकारी यहाँ पर आपको भरनी होगी। और भरने के बाद जो है ये डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसको भरने के बाद आपको सेल्फ अटेस्ट करना होगा। तो ये डिक्लेरेशन फॉर्म ये है यहाँ भरने के बाद नीचे आपको साइन करना होगा कि जो भी आपने ये इन्फॉर्मेशन दिया है वो सही है। तो यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट पेशेंट का यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा। और ये वाला पार्ट जो है ये हॉस्पिटल को फिलअप करेगी, जिस हॉस्पिटल में आप जमा करेंगे तो पूरा फॉर्मेट आपको जो है डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करके भरने के बाद और इसमें जो है इसके साथ आपको दस्तावेज जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे संलग्न करके और योजना के तहत जो लिस्टेड हॉस्पिटल के नाम हैं उनमें से जिस हॉस्पिटल में आप इलाज करवाना चाहते हैं वहाँ ले जा करके आपको दिखाना होगा, जमा करना होगा और इस प्रकार से आप जो है योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हमारी YouTube चैनल सीखे.com को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों ताकि लेटेस्ट योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमारे इस वीडियो को जो है इस योजना को ज़्यादा से ज़्यादा जो है दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।